विशाखानतांस ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तुम लोग भी इसको खोल कर पढ़ो, धीरे धीरे याद हो जाए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात भक्ति श्री रूपा सिद्धांती प्रभु श्रीमात्मने। नामयाम विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणस्तम शिरसा नमामि। नामयम विष्णु पादाय आचार्य सिंह गुरुपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। नामयम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हरिभार सभाय नवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति द हरि गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादंबुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपायनु गवरायते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवन लसम संसार दहने दग्ध जीव कोल उधर करणी करुणा बारिद कृपा बारी दानी बंदिश गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्री हरि कीर्तने रहे न मगन महामत मणि रोमांच कंपासु आए गौर प्रेमी बंदिश गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्री हरि कीर्तने रहे न मगन महामत मणि रोमा हाय गौर प्रेमी बंदिते गुरु चरण कमल सदरत जीनी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करिनानी जुक्त अनुगत जनी बंदिसे गुरु
शरण कमल सर्व दुष पयार समय प्रसाद कृष्ण अति भक्त आस्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु चरण कमल माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लोभ चित जिनी अन प्रतिक्षणी बंद से गुरु चरण कमल ब्रज युग द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी सनि वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गणी बंद से गुरु चरण कमल ब्रज युग द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी सनि वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गणी बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाए श्रीहरि स्वरूप भक्त गण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंद से गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जार प्रसाद अन्य गति नई त्रिसंध कीर्तिर सब धनी भाई बंद से गुरु चरण कमल गुरुदेवाशत अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण कमल जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव कृष्ण हित चतुर मुख कृष्ण सेवा ब्रह्म हित नारद दे रमाते नारद हिते व्यास मद कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभति निहरि मघव वंदे अच्छ परम शिशवली अंगीकार रे हस बिरति सजय तीर्थ नामे परिचय शारदास ज्ञान सिंधु रे ताहित दयानि दे शारदास विद्यानि दे राजेन्द्र हैल ताहिते हर किंकर जय कर्म नाम पारदास ज्ञान सिंधु करे ताहित दयान दे शारदास विद्यान दे राजेंद्र हरिला ताहिते तार किंकर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जन भल माते जय धर्म दासे जाते त्रिपुरुष तम जते
ताहिते ब्रह्मण तीर्थ सोरे व्यास तीर्थ कार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहिते माधवेन्द्र पोरे माधवेन्द्र पोरे भरत सरसे नित्यानंद श्री अद्वैत वेदो ईश्वरपुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नर पनु गज निरजीवन विश्वंगर प्रियंकर विश्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथन कार्य प्रिय सब कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर कार्य पर विश्वनाथ विश्वनाथ भक्त साधु वर देव जगन्नाथ कार्य प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौरकिश्वर वर हरि भजन तेजार मोद विवर सवन विवर सदेव सेवा तार दैत दस नाम प्रभु पद अंतरंग त्रिस्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरी वेदांत वेतमयाग संबंध गौरवारी प्रचारिणी धाम सब हरियन गौर कादर उचित मर काम गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा एक दिन छोड़कर एक कीर्तन गाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी तुमा बिना के दयालु जगत संसारे नाथ चैतन्य हा प्रभु जीवे दया कारी कपाल सदा धाम सहबतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण दैन आत्मनिवेदन गोत्रते वरण अवसर शिवेन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यराशुकार भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार तरंग शरणागति भाई बेजार सहार प्रार्थना सुने त्रिनंद कुमार सनातन पद दंत त्रिणकारी भक्ति विनो दे तुम पद कंदिया कंदिया बोले आमित दिखाई शरणागति करे उतार।
जीव जागा जीव जागा गोरा चांद बोले और एक माइक दे दो कतनी द्रजा माया पिसाची रकोले बाजी बबोली आए से संसार भीतरे बोलिया रहिले तुम्हें अवतार हो रे तुम्हारे लईते आनु अवतार ना केंदु बोल के आचे तुम्हार एन छे औषधि उदिलार उनका उदिलार 96 समूह लैया साथे केला नगर ब्राजे ताथई ताथई बाजल कोल मुखे
केवलाधार नाम ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्रणधन भुवन मोहन श्याम कखन मारिबे के मन करिबे विषम समन डाके कापे भुवन कापे ना जानी मारबी पाके कुलधन पाया उन्मताई अपना के जाना बड़ा रुते धरी पाए हाथ बांधिया करीबे जाया कृष्ण देव भगवान तो गा Thank you.
जयद जयद कौन कौन जयद था? वो बच्चा कहाँ गया? वो बोल रहा था जय देगा, तुम दो जय। हाँ, देख करके नहीं, बिना देख दो यार, किसको याद है बच्चों को? दो ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल हम लोग
श्रवण कर रहे थे ये भगवत गीता को। ये गीता के जो मेन मेन श्लोक है, हम कोशिश करेंगे वो मेन मेन श्लोकों को कथा करने के लिए, ठीक है। कल तो प्रथम अध्याय का पहला श्लोक को हम लोग ने श्रवण किया था, आज हम श्रवण करेंगे द्वितीय अध्याय। जो द्वितीय अध्याय है वो आत्मा और अनात्मा, ये आत्मा क्या और आत्मा क्या नहीं है, अनात्मा का ज्ञान कृष्ण अर्जुन को ये भगवत गीता में प्रदान किया है। प्रथम अध्याय में जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाए तुम युद्ध करो, लेकिन अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है। बोले क्यों नहीं चाह रहा है, बोले ये स्वजन को मार करके क्या लाभ होगा, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन लोगों को मार करके क्या होगा, इससे तो अच्छा है हम तो भिक्षा मांग करके अपना जीविका निर्वाह में कर लूँगा, ये रक्त द्वारा खून को द्वारा रंजित राज्य हमें भोग करने की हमें कोई इच्छा नहीं। अर्जुन मना कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो मना कर रहे हैं इसको सुन करके धृतराष्ट्र तो खुश हो गया। धृतराष्ट्र खुश हो, मन मन में खुश हो रहा है, बोले क्यों खुश हो रहा है, बोले बढ़िया हो गया अर्जुन को, हाँ अर्जुन को वैराग्य हो गया और युद्ध करके क्या होगा हैं, इससे तो भिक्षा मांग करके मैं अपना जीविका निर्वाह कर लूँगा। इसका मतलब है मेरे बच्चों को बिना युद्ध किए हुए बस सारे राज्य मेरे बच्चों को मिल जाएगा, अभी कोई युद्ध वुद्ध की कोई ज़रूरत है नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र मन मन में ये बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़े खुश हो रहा है। लेकिन वहाँ पर कृष्ण साक्षात है, कृष्ण ऐसे क्यों करने देंगे, इसलिए कृष्ण उनको समझा रहे हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं होगा हैं। इसलिए कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं, बोले कुतस्त्वम कस्मलमिदम विषमी समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम आकृति करम अर्जुनम। ये द्वितीय अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं अर्जुन हैं क्या, अर्जुन को कह रहे हैं, हाँ अर्जुन कह रहे, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्णचंद्र तो समझा रहे हैं, तो आत्मा और अनात्म का ज्ञान प्रदान करते हुए कह रहे हैं, बोले अर्जुन तुमको ये कहाँ से कस्मलम, कस्मलम मतलब जो मोह है हैं, इसलिए ये मोह तुमको कहाँ से आ गया ये मोह, इसलिए ऐसे मोह तुमको नहीं करनी चाहिए, ये अंधकार को ये पाप को दूर करो, दूर करके ये युद्ध संकट में तुमको किस कारण से ये मोह तुमको उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए बोले अनार्यम जुष्टम, इसका मतलब है कहते ये जो मोह है, कहते ये मोह क्या देने वाले हैं, कहते जो मोह है बोले करुणा से अभिभूत होकर के तुम कहते अश्वा से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले हैं विषाद उपयुक्त अर्जुन को मधुसूदन ने यह वचन कहा, क्या कहा वचन है, कहते हे अर्जुन तुमने ये विपद काल में हैं, ये विपद काल है ना, राज्य लेकर के लड़ाई हो रहा है, अगर तुम लोग अगर बिना युद्ध से अगर हार जाओगे फिर संपूर्ण रूप में तुम्हारे जीवन बनने के लिए राज्य तुम्हारी चली जाएगी, ये विपद अवस्था में हैं कुतः मतलब होता है किस कारण से अनार्यम जुष्टम, कहते अनार्य के आचरित जो आर्यों का जो आचरित नहीं, ये तुम्हारी ये अनार्य है और ये अस्वर्गम बल्कि स्वर्ग को भी ये देने वाले नहीं है, मतलब अकीर्तिकरम जो कीर्ति को देने वाले नहीं, ऐसे मोह तुम्हारी कहाँ से ऐसे मोह तुम्हारी उपस्थित हुआ है, इसलिए हे अर्जुन तुम ये मोह को तुम त्याग करो, त्याग करके जगो तुम हैं। आज हम लोग जो श्लोक श्रवण करेंगे वो तीसरा नंबर श्लोकों को आज हम श्रवण करेंगे, वो श्लोक है बोले क्लैबम मास्मगम पार्थम नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप।
कदी जो श्लोक है, ये श्लोक में जो एक एक शब्द ये कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक श्लोक उन्होंने में एक एक शब्द क्यों प्रयोग किया, वो एक एक उसका मिनी को यहाँ पर बता रहे हैं। पहला नंबर है, कृष्ण कहते हैं पार्थ, अर्जुन का एक नाम है पार्थ है, कहते इनका नाम ये पार्थ नाम क्यों पड़ा है, हैं ये इसका कारण क्या है, कहते ये जो पार्थ है अर्जुन, कहते पृथा का ये बेटा है इसलिए इनका नाम पार्थ। कहते अर्जुन का जो पिताजी का नाम कौन है, क्या कौन है, पांडु, कहते उनको पिताजी ये पांडु है, लेकिन इन्होंने अभिशाप ग्रस्त किया था, इन्होंने अभिशाप, एक समय एक हिरण और एक हिरणी दोनों मिल रहे थे, ये पांडु गए हुए थे शिकार करने के लिए, जब दोनों हिरण हिरणी मिल रहे थे, इतने में ये पांडु ने उनको बाण मारे, जब बाण मारे वो हिरण हिरणी नहीं थे, वो कौन थे, एक ऋषि और ऋषि की पत्नी, ये हिरण हिरणी नहीं, ऋषि और ऋषि की पत्नी थे, वो हिरण और हिरण रूप धारण करते हुए आपस में मिल रहे थे, जब उन्होंने बाण मारे, बाण मारते ही उनको अंदर चित्कार आया, हाँ चित्कार आकर पांडु जाकर के देखा, ये तो हिरण हिरणी नहीं है, ये तो एक ऋषि और उनकी पत्नी है, फिर उन्होंने इनको अभिशाप दे दिया पांडु को, बोले जैसे हम दोनों पति पत्नी मिलते समय तुमने हमारे प्राण को नाश किया, जब तुम दोनों पति पत्नी कभी मिलोगे तुम दोनों ही तुम्हारी प्राण ही जाएगा, उन्होंने अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दिया, एक दिन हैं कहते पांडु के जो पत्नी थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री, एक दिन इन्होंने ये अभिशाप जो प्राप्त किया, एक दिन ये माद्री जा करके बड़े सुंदर झरना के पानी में कपड़े पहन करके स्नान कर रही थी, जब स्नान कर रही थी, स्नान करके जब उसने वापस आए, इतने में पांडु देख करके, उनको तो अभिशाप हो गया, उनको पता है ये जब मैं पत्नी को साथ में मिलने के लिए जाऊंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जिस समय वो स्नान करके आई, इसको देख करके पांडु ने अपना मन को स्थिर नहीं कर पाए, जब उन्होंने अपना पत्नी माद्री से जब मिले, बस मिलते ही इनके प्राण त्याग हो गया, इन्होंने शरीर छोड़ दिए इन्होंने, इसलिए उन्होंने असमय पर पांडु ने अपना शरीर को छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिए अब ये वंश कैसे रक्षा होगी, हैं ये वंश रक्षा कैसे होगी, इतने में लेकिन जो कुंती, एक समय जब कुंती छोटी बच्ची थी, इनके घर में श्री दुर्वासा ऋषि कभी इनके घर में आए थे, और कुंती ने बचपन में दुर्वासा ऋषि की उन्होंने बड़ी सेवा की, और दुर्वासा जी कौन है, कहते ये शंकर जी की प्रकाश है, हाँ शंकर जी की ये प्रकाश है, इसलिए इन्होंने प्रसन्न होकर के बचपन में वो सब कुछ जानते हैं भविष्य में क्या होने वाले, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव सब कुछ जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम वो सब जानते हैं भविष्य में क्या होने वाले, खेल क्या होने वाले, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के इन्होंने कुंती को एक उन्होंने उनको जो पिताजी उनका था प्रिथा का ही बेटी है, हैं इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के एक माला उन्होंने प्रदान की थी कुंती को, बोले देखो कुंती जब ये माला को तुम जप करते हुए जिस देवता को तुम स्मरण करोगी वो देवता तुम्हारे पास में आएंगे, हैं देवता आएंगे, इसलिए वो शादी से पहले उनको परीक्षा करने के लिए ये माला क्या सही है, दुर्वासा जो दिया इन्होंने किसको याद किया था, सूर्य भगवान को याद किया था, और सूर्य भगवान को याद किया था तो उन्होंने माला को जप किया परीक्षा करने के लिए, सचमुच से सूर्य भगवान आए, और आए तो उनको औरत से कौन जन्म हुए, कर्ण जन्म हुए, और वो शादी से ये संतान हुई, इसलिए उन्होंने लज्जित होकर के वो बच्चे को उन्होंने पानी में बहा दिया, फिर उसी बच्चे को किसने प्राप्त किया,
किसने प्राप्त किया? राधा और उनको जो पिताजी थे हैं, उन्होंने उसको प्राप्त करके, इसलिए कर्ण को पता ही नहीं पड़ा मेरे असली पिता माता कौन है। इसलिए जिस समय उनको ये विपत्ति उपस्थित हुई, पांडु ने शरीर छोड़ दिया, ये वंश कैसे धीरे धीरे चलेगा, इसलिए उन्होंने पति की आदेश लेकर के, पति शरीर छोड़ने से पहले ही इन्होंने पति का आदेश लेकर के उन्होंने श्री धर्मराज को स्मरण किया था। धर्मराज को स्मरण किया तो उनको औरस से श्री युधिष्ठिर जन्म हुए। फिर उन्होंने पवन कुमार को याद किया, उनको औरस से श्री भीमसेन, और उन्होंने इंद्र को स्मरण किया था और उनको औरस से कौन जन्म हुए? बोलिए अर्जुन जन्म हुए। फिर ये कुंती से, फिर उनका जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उसने अश्विनी कुमार द्वय का स्मरण किया तो उससे नकुल और सहदेव का उससे जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन का पृथा का बेटा है, इसलिए इसका नाम पार्थ है। इसलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं पार्थ हैं, कहते हैं पार्थ, पार्थ मतलब तुम पृथा का तुम पुत्र हो, केवल पृथा का पुत्र नहीं, इंद्र के औरस से तुम्हारी जन्म हुआ है। इसलिए इंद्र के औरस से तुम्हारी जन्म हुआ, इसलिए इंद्र का अंश तुम्हारे अंदर में विद्यमान। और इंद्र कौन है? कहते स्वर्ग का राजा ये इंद्र, और इंद्र अथा पराक्रमी है, इंद्र अथा पराक्रमी इंद्र है। चाहे इंद्र का जितना पराक्रम है, ये सब के सब तुम्हारे अंदर में विद्यमान है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं, कहते हैं पार्थ हैं, बोले क्लाइबम, बोले तू पृथा का पुत्र होकर के और जो अर्जुन का अंश से तुम जन्म ले करके, फिर तुमने ये क्लाइबम मतलब ये नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? हैं, हम कहते हैं ना तू क्या नपुंसक, नपुंसक मतलब क्या है? ब्रजहीन है, नपुंसक का मतलब ब्रजहीन, जिसके अंदर में कोई ताकत नहीं। इसलिए हम कभी गाली देते हुए कहते हैं क्या कि तो नपुंसक है, नपुंसक मतलब तुम्हारे अंदर में कोई शक्ति नहीं, कोई पुरुषत्व तुम्हारे अंदर में नहीं, उसको गाली देते हुए कहते हैं। इसलिए कहते तुम ये नपुंसकता क्यों प्राप्त हो रहे हो? इसलिए मास्म गमम, मतलब तुम ऐसे मत किया कर, बोले इतत जो यह है तोई, तोई मतलब ये तुम्हारा लिए न उपपद्यते, कहते तुम्हारा लिए ये उपयुक्त नहीं। क्यों नहीं? तुम इंद्र का अंश से ही तुमने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए अगर तुम अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा? बस जैसे नपुंसकता प्राप्त होगी तुम्हारी। इसलिए कहते परम तप, अर्जुन का और एक शब्द प्रयोग करते, कहते एक कहते हैं पार्थ, कहते परम तप और एक शब्द प्रयोग करते हैं, बोले परम तप मतलब क्या है? बोले तुम्हारी अंदर में शत्रु को दमन करने का शक्ति भी तुम्हारी अंदर में विद्यमान है, इसलिए तुम्हारा नाम परम तप है। बोले क्षुद्रम है हृदय द्रौबल्यम, ये जो हृदय का जो द्रौबल्यता तुम्हारी अंदर में है, कहते उसको त्याग करके क्या हो? खड़े हो जाओ है, खड़े होकर क्या करो तुम? युद्ध के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ, युद्ध के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। इसलिए यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये तरह तरह का है उनको शब्द प्रयोग करके अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम ये नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध करने के लिए तैयारी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, कहते प्रभु जी इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाह रहा हूँ हैं, इसलिए बोले क्यों? बोले ये मत समझो मेरे अंदर में कोई कातरता है, निर्बलता है, इसके लिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं। बोले क्यों? बोले ये सामने कौन सब खड़े हुए हैं? पितामह भीष्म खड़े हुए हैं, जिन्होंने सारा जीवन हमें गोद में लेकर के हमें लाड़ प्यार दिया है, और यहाँ पर और कौन खड़े हुए हैं? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? ये सारे धनुर्विद्या हमें को जो सारे धनुर्विद्या जिसने सिखा दिया है हैं, और ये हमारे गुरुदेव है, और गुरुदेव शिष्य के प्रति कितना वात्सल्य होता है हैं, और हर समय द्रोणाचार्य क्या बोलते थे अर्जुन के लिए? हर समय गर्व अनुभूति करते थे, मेरे
अर्जुन जैसे शिष्य है, हैं? इसलिए आप महाभारत देखे होंगे ना, कर्ण बारंबार क्या कहता है, हर समय द्रोणाचार्य अर्जुन की महिमा गाते थे, अर्जुन की महिमा, इसलिए कर्ण कभी कभी बिगड़ जाता था, बोले ये कोई बात है, हर समय अर्जुन अर्जुन हैं, अपना शिष्य का पक्ष लेते जा रहे हैं, क्यों? उनका प्रिय शिष्य अर्जुन है, क्योंकि हर गुरुदेव क्या चाहते हैं, हर गुरुदेव का जो भावना है, मेरे बाद में मेरे अंदर में जो योग्यता, मेरे अंदर में जो गुण है, मेरे शिष्य किसी शिष्य का अंदर में भी वो गुण किसी शिष्य का अंदर में भी आए, जो भविष्यत में मेरे नाम को जो रक्षा करे, हैं? इसलिए अगर कोई शिष्य अगर बढ़िया काम करे, सब बोलेंगे ना, भैया गुरु जी का नाम क्या, तेरे गुरु जी का नाम क्या, बोले हमारे गुरु जी का नाम ये है, तो किसका सिर ऊंचा होता है, गुरु जी का नाम होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, सबसे पहले अपना गुरु जी को प्रणाम करते हैं, इसलिए जब गुरु जी को प्रणाम करते हैं, सारा दुनिया कहते भैया किसका शिष्य ये है, हेलो अमुक व्यक्ति का शिष्य, नाम किसको जाता है, गुरु जी को। इस जगत में अगर कोई बेटा अगर कोई अच्छा काम करता है, उसका प्रशंसा कहाँ जाता है, पिता माता, बोले किसके किसके छोरा ये है, हाँ ये किसके छोरा है, किसके बेटा ये है, इसलिए उसका नाम पिता माता के ऊपर जाता है ना। इसलिए श्री द्रोणाचार्य हर समय अर्जुन के लिए गर्व करते थे, अरे अर्जुन जैसे मेरे शिष्य, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी। इसलिए हर समय कोई भी काम से पहले अर्जुन को जो पूछा गया, तुम्हारा क्या परिचय है, बोले ये परिचय है हम द्रोण शिष्य अर्जुन, बोलता था ना युद्ध करते समय बोलता था, द्रोण शिष्य अर्जुन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए जो गुरुदेव हमें इतने आदर इतने प्रशंसा जो गुरुदेव हमें करते थे, अभी वो गुरु जी को हम कैसे मारेंगे सामने खड़े हुए, पितामह भीष्म जिनको गोद में हम खेले कूदे इतने लाड, उनको मारेंगे कैसे। इसलिए मेरे ये क्लैवता को नपुंसकता को ये मत समझो, मेरे अंदर में कोई नपुंसकता मत समझो, क्या है ये हमारे गुरुवर्ग है, सबके सब हमारे पितामह गुरुवर्ग है, इसके लिए है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, बोले नहीं हैं, ये तुम्हारी इसके लिए तुम नहीं, तुम्हारी अंदर में क्या है खुद्रम, अर्थात ये जो तुम्हारी अंदर में ये सब चीज तुम बोल रहे हो, बोले ये शोक एवं मोह के कारण तुम ये सब बात बता रहे हो, हैं? ये शोक और मोह के कारण तुम ये बात बता रहे हो, ऐसे जो दुर्बलता है तुम्हारे को, तुम इसको परित्याग करो। परित्याग क्या कर करो, उसका नाम परम तप, परम तप तप है, परम तप तप मतलब क्या है, दूसरों को जो हर समय में, हाँ शत्रु को हर समय ताप देने वाले, तुम्हारा नाम परम तप भी। इसलिए अर्जुन ये नपुंसकता को परित्याग करके क्या करो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर क्या करो, युद्ध करो, हैं? युद्ध करोगे तो अगर तुम मरोगे ना स्वर्गों के प्राप्त करोगे, हैं? अगर तुम जीतोगे तो क्या करोगे, ये मही को तुम भोग करोगे। इसलिए ये सब चीज को परित्याग करके, हृदयता दुर्बलता को परित्याग करके युद्ध करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। इसलिए उसको पहला जो श्लोक था, पहला श्लोक में पहले तो धृतराष्ट्र तो सोच रहा था बढ़िया हो गया है, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है, मेरे बच्चों को तो क्या होगा, मेरे बच्चों को बिना युद्ध के राज्य सबके सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब कृष्ण अर्जुन को जब उन्होंने ये सब बात बताई, धृतराष्ट्र सुन सुन कर ना बड़ा क्रोधित हो रहा, बोले कृष्ण तो बड़ा दुष्ट है, हैं? अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है और कृष्ण उनको उत्साह दे दे करके, हाँ ये युद्ध कराना चाह रहा, इसलिए वहाँ पर धृतराष्ट्र बैठ बैठ करके ना कृष्ण को ऊपर बड़ा क्रोधित कर रहा है, हैं? बड़ा क्रोधित कर रहे हैं ये अर्जुन, उनको फुसला फुसला करके और युद्ध करवाना ये चाह रहे हैं। इसलिए कहते ये जो श्लोक है ये तीसरा नंबर का श्लोक है, इसलिए तुम लोग कोशिश करना द्वितीय अध्याय का जो तीसरा नंबर जो श्लोक है उसको याद करने के लिए, ठीक है? इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे, कल हमने जो श्लोक सुनाया था वो श्लोक को कौन बोल सकता है, देखो बाबा सबसे पहले, बाबा हाथ उठाए, हैं? बाबा हाथ उठाए, श्लोक इसको किसको याद है? पहले ये श्लोक, हाँ इसको बंद कर दो, तो इसको बंद कर।